अभी देखो ईद में खाली क्या कंडीशन था, एक ही ऑप्शन था, ईद पिछले क्या था, कंडीशन ट्रू हुआ फिर भी आएगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी आएगा। अब इसी को थोड़ा इंक्लूड करके ईद एलसीएम आया है, ये जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस था। पहले ईद रिटर्न वन ईद वन वन वाइल इट इज एंड ई फिक्स में क्या था, इट्स रिटर्न टू मीन्स वन फॉर ट्रू या वन फॉर फॉल्स, ठीक है। मतलब कंसर्न ट्रू हुआ तो भी आपका और जाएगा, कंसर्न फॉल्स हुआ तो एल्स बड़ा आता है, इसका इसका सिंटेक्स होता है यहाँ पे एल्स। यहाँ पे आपको कंडीशन आते हैं, कोई भी कंडीशन हो कंडीशन आते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इधर होगा अदरवाइज नहीं होगा। ई फिक्स में क्या होगा, अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ऑप्शन में आपको आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला आता है, ठीक है। ये आपका है बिल्कुल, ये है आपका फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये फाइल में फ्री होता है, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आएगा आपका इफ एल्स, मतलब कैसे आएगा इफ, यहाँ पे क्या आएगा कंडीशन, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ यहाँ पे आएगा, कंडीशन ट्रू हुआ यहाँ पे आएगा, इसके नीचे यहाँ पे आएगा एल्स एफ, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन आएगा अपना और यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में आता है हेल्स, पहले एक कंडीशन चेक किया, अगर ट्रू मिला तब इधर आउटपुट देते कि बाहर निकल जाएगा, अगर नीचे चेक नहीं करनी जाए, अगर एक कंडीशन उसको ट्रू मिला, सॉरी एक कंडीशन उसको फॉल्स मिला, दूसरा कंडीशन चेक कर, कहीं ये तो नहीं ट्रू मिल रहा है, अगर मान लो ए भी ट्रू नहीं मिला तो एल्स मिल जाएगा, तब एक क्या देगा फॉल्स, ठीक है। आपको ऐसा कुछ कोडिंग करना होगा जहाँ पे आउटपुट एक ही देना है बट अलग अलग कंडीशन के बेस पे, अलग अलग कंडीशन के बेस पे, उस पे हम क्या करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे, हम लोग इफ एल्स एल्स करेंगे। अगर मान लो आपका एक कंडीशन और आ गया तो आप ऐसे डाल दो, कंडीशन ट्रू तो ठीक है, फॉल्स हुआ इसमें आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ इसमें आएगा, एक कंडीशन अगर ट्रू होगी इधर ही आउटपुट मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आए, ठीक है। मतलब ये कैसे होता है, ठीक यहाँ पे ये ऐसे होता है। तो मान लो ये कंडीशन आपका है, ये अगर ट्रू हुआ ये आएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये इसके पास आता है, ठीक है। ये कंडीशन ये फॉल्स हुआ तो इसके पास आता है, ये फॉल्स हुआ तो राइट ही आउटपुट, अगर इसको इधर ही ट्रू मिल गया तो इधर आउटपुट देके बाहर निकल जाए, इधर ट्रू हुआ तो आउटपुट देके बाहर निकल जाए, इधर ट्रू हुआ तो आउटपुट देके बाहर निकल जाए, नीचे नहीं जाएगा, इसमें से आउटपुट खाली एक ही आएगा, जितना कंडीशन दिया होगा सबका आउटपुट एक ही आएगा, लेकिन इसका कंडीशन ट्रू होगा, इफ ट्रू नहीं होगा तो एल्स का है, इतना याद रखते, ठीक है। तो अभी आ जाओ इधर, फिर प्रोग्राम करते, प्रोग्राम कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, एक स्टूडेंट को मार्क्स देंगे, मतलब वन के वन और 100 के बीच में परसेंटेज कुछ देंगे, हर चीज पर परसेंटेज देंगे, और उसको बोलेंगे अगर जिसका परसेंटेज इसके नीचे है इसको हम लोग देने वाले हैं फेल, ठीक है। जिसका जिसका एटलीस्ट 40 तक है उसको हम लोग देंगे सीरियस, ठीक है। जिसका एटलीस्ट 60 तक है उसको देने वाले हैं डीजेड, ओके। एंड जिसका 80 के ऊपर है उसको हम देंगे, तो इस अगर इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे चार कंडीशन थे,
पर आउटपुट एक ही आएगी, या तो फेल आएगा, या तो ए ग्रेड, या बी ग्रेड, या सी ग्रेड। मतलब कंडीशन चार है, चार अलग अलग कंडीशन और आउटपुट ए जाएंगे। ऐसे सिनेरियो में आपका इफ एल्सिफ एल्सिफ ऐसे वाले इनपुट, अगर जहां पर खाली इतना होता है जो ही कि यार खाली फेल होगा या पास होगा, मान लो फेल होगा या पास होगा, उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है, उसमें आपको इसकी जरूरत है। बात समझो, कब किसकी जरूरत है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन खाली ट्रू पे दिखा तो ए आएगा, एक ही कंडीशन पे ट्रू पे कुछ और फॉल्स कुछ और दिखा तो ए आएगा, बट मल्टीपल कंडीशन पे सिंगल आउटपुट आएगा तो आपका इफ एल्सिफ आएगा। तो सिनेरियो समझ के कौन सा यूज होगा वो आइडिया अपने अंदर लाओ। तो अभी कैसा होगा, अभी चार कंडीशन पे मोर देन दो है, मोर देन दो हुआ तो, मोर देन दो हुआ तो आपका तुरंत इधर आएगा। ठीक है, अभी तो हम प्रोग्राम मेरे करते हैं, मत समझ में आएगा। सबका प्रोग्राम कैसा है कि आपको एक नंबर इंटर करना है, इंटर अंदर इंटर परसेंटेज और स्टूडेंट कितना परसेंट आया, मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, हाई डेट परसेंट ले रहा हूँ, कितना परसेंट आया और मैं इंटर करूँगा उसकी बेस पे उसको ग्रेडिंग करूँगा कि आपको ग्रेड क्या है। ठीक है, तो देखो जो आए हो तो यहाँ पे क्या है, पहले मुझे इसको लेना है, क्या लेना है, टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज मान लो ऐसा है, मैं इसी नाम का वैल्यू देता हूँ इंटीजर प्लीज। ठीक है, स्टूडेंट को ये इंटर करना है, मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट एफ यू इंटर द टोटल परसेंटेज ऑफ। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका क्या आएगा, किस क्या है, तो एक फोटो का नॉर्मल है जो हम लोग यूज करते हैं, किसी भी एडवांस ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आ गया मना दो परसेंट आ गया। अब आएगा यहाँ, यहाँ पर इसको नंबर मिल जाता है, क्योंकि आप नंबर पास करोगे 45 50 जो भी नंबर पास हो जाएगी, इसको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, मान लो 50 मिल जाएगी। अब पहला कंडीशन क्या है कि इफ 30 मतलब इफ जो टोटल मार्क्स है, टोटल परसेंटेज है लेस देन या इक्वल टू 30 हुआ, ध्यान दो लेस देन या इक्वल टू 30 हुआ, जो 30 से कम हो या 30 तक हो, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 40 से ग्रेटर हो, सॉरी 40 तक 30 हो, मतलब 30 से ज्यादा और 40 के बीच में, तो इसका नंबर क्या है 30 और 40 की डिग्री, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, पहले एल्स दोगे और फिर अगेन इफ दोगे, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा कि ठीक है, अगर टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन 30 है और टोटल परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 40 है, मतलब इससे ज्यादा भी हो और 40 से कम और इक्वल टू इसके बीच, इसके रेंज में हो, इसलिए आप क्या फिट करोगे, क्या फिट करोगे। ठीक है, वो दोनों कैसे बन रहा है, बहुत बहुत सिंपल है, ऑफिस कंडीशन जो यहाँ पे, ऑफिस कंडीशन जो आपका वैल्यू फिट कर दें, आपका 50 से होना चाहिए, मतलब 40 से ज्यादा और 50 से कम ना, यहाँ की तरीके क्या है, 50 से ज्यादा और 50 से कम, यहाँ पे क्या है बीच रेट में आएगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा बीच रेट। इसके बाद बचता ये है, मतलब 60 से ज्यादा कुछ भी आए तो आपका कितने आएगा, ए ग्रेड में आएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे लेना है तब डायरेक्टली एल सी दे सकते हो, ठीक है, ना ये ट्रू हुआ ना ये ट्रू हुआ ना ये ट्रू हुआ, तो डायरेक्टली आपका भी क्या हो क्या ए ग्रेड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, स्टूडेंट प्रोग्रामिंग ए डॉट पी एच सी मैंने यहाँ पास कर लिया, पेपर पर चलिए
अच्छा ये क्या आ रहा है मालूम, नया पर्सन पास किया है, ये कोई ना कोई ये पकड़ रहा है, लाइक पर्सन सी पर्सन है, जो फॉर्मेटिव प्रॉपर नहीं मिलते, रैंडम नंबर को लिए गए हैं, एक परसेंटेज जानने में अच्छा खड़ी जाती है, परसेंटेज बहुत नहीं निकालते हैं। ये डॉट की अच्छी है, यहाँ पे आया इंटर टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने पास किया 15, तो 15 किसके अंदर आई, इससे ज्यादा होगा ठीक है, इसके बीच में आएगा नहीं, इसके बीच में आएगा हाँ आ गया ठीक है। तो आपको ये एडजस्ट करना है कि जो कंडीशन में यहाँ पास कर रहा हूँ, सॉरी जो उसने कोड मिला है उसमें कितने कंडीशन है उसके बेसिस पे आपका ये आए ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये फिल्स मतलब यूज करना है, कैसे यूज करना है, जहाँ पे मोर देन वन कंडीशन आएगा और आउटपुट आपका सिंगल आएगा ठीक है। दूसरा इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एक्सिस्ट करेंगे ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये देखो ये जो है ना ये यही वाला है, ये फिल्स वाला है, मैंने क्या किया है पता है, ध्यान रखें तो क्या किया है, तो मान लो ये कोड है ना, ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो आपने कुछ कंडीशन दिया ये ट्रू हो गया ओके, यहाँ पे आया, पर कुछ तो ऐसा सिनेरियो है ये कंडीशन ट्रू होने के बाद भी उसको दो अलग कंडीशन में किसी को आउटपुट देना है, तो आपका यही वाला तुरंत इसके अंदर भी आ जाएगा ऐसे। अच्छा या आपको ये वाला इसके अंदर पास करना था, मतलब ऐसा किया जाएगा यहाँ पे पास करना पड़ जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका इसके अंदर भी जा सकता है जब कंडीशन ज्यादा डीप लेवल गया तो, मतलब घुमा फिरा के आप इफ के अंदर एल्स के अंदर वापस इफ फेल्स या इफ कुछ भी ऐसा डाल सकते हो, और ऐसे कंडीशंस को ऐसे इफ इट्स को बोलते हैं नेस्टेड, क्या बोलते हैं नेस्टेड। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे ए मिल गया 30 और 40 से रेंज में मिल गया, यहाँ पे आपने सी ग्रेड दिखा दिया ठीक है, बट आपको C1 C2 ए भी आपको ए भी आउटपुट देना है, और ए भी देखना है कि 30 मान लो 30 40 के बीच में इसको दो डिवाइड कर दो, मान लो ऐसे कर दो ये अगर ठीक है, अंदर 30 और 35 के बीच में हो तो आप उसको दिखा दो C1 और 35 और 40 के बीच में उसको दिखा दो C2, मतलब आपको C ग्रेड भी दिखाना है और ए भी दिखाना है एग्जाम्पल, तो आपको इसके अंदर एक और कंडीशन आ जाएगा ठीक। टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन 30 और लेस देन 35, लेस देन 35 तो आपको मैसेज देना है एल्स, यहाँ दिखा दो आप लाइक वन दिखा दो ठीक है, मतलब तो बात समझो क्या हो रहा है, कुछ ऐसे सिनेरियो बना जो आपका कंडीशन प्रूव हो रहा है और उसके अंदर भी कंडीशंस बन रहे हैं, अब वहां में इफ लगा सकते हैं, मतलब इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ पे इफ नहीं रख सकते, हाँ बट ऐसे जो इफ लगा रहे हो ऐसे इफ को क्या बोलते हैं नेस्टेड ठीक है। अगर आप मैं ये नंबर पास करता हूँ इसका आउटपुट देखना कैसा है, मैंने इसको कंपाइल किया रन किया तो मुझे पास किया मैंने एक फाइल, C1 सी ग्रेड आया बट सी ग्रेड के अंदर C1 आया, वही अगर मैं इसको पास करता 38 यहाँ पे सी के अंदर C2 आया, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन आया, और ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं नेस्टेड ठीक है। तो ये है अपना इफ एंड एल्स, एक बार इसको देखो तो इसको डाउट आ रहा है तो बताना मुझे ठीक है। इसी के बेसिस पे ये जो सेकेंड वाला एक फील्ड है इसी को शॉर्टकट करने के लिए यहाँ पे बना दिया है टर्नरी ऑपरेटर ठीक है, यहाँ पे आपका कंडीशन आ जाएगा, टर्नरी
ट्रू है तो क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए। ऐसे सिनेरियो को हम लोग चैनल ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मान लो आपसे आते हैं, मान लो आपसे नंबर इसमें कैसा होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर पास करेंगे, मान लो आपका नंबर इंटीजर, नंबर इक्वलिटी 50 है मान, तो क्या करोगे इसको ऐसे पास करोगे, यहाँ पे नंबर मॉडुलर के इक्वलिटी को भी 0 मतलब यहाँ पर कंडीशन आ गया, यहाँ पर कंडीशन आ गया, क्वेश्चन मान लीजिए कंडीशन ट्रू है तब सही आएगा, मतलब यदि आप यहाँ पे दे कंडीशन फॉल्स तब सही वाला है। ठीक है, फर्स्ट ट्रू के लिए तब यहाँ पे बोल दो इट्स ट्रू, ये क्या करता है ना, आप इसके आगे कोई वेरिएबल ऐसे ही पास कर सकते हो, इंटीजर ये इक्वल टू देता है यहाँ पे 0 और 1 ऐसे अगर प्रिंट करना हुआ ये ले सकते हो यहाँ पे, मतलब इन सारे तरीकों की आप ये जो इतना पार्ट है इसको शॉर्टहैंड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो यहाँ पे, इसका इंक्रीज इसके अंदर जो कंडीशन देना हुआ है चलिए कॉपी करके मान लो यहाँ ये ट्रू होने के बाद भी एक कंडीशन और है वो डायरेक्टली ऐसे आए तो ये अलग पार्ट बन गया इतना, और एक अलग पार्ट। ठीक है, बेसिक रखो तो ऐसे ऑपरेटर को जहाँ पे हम लोग लाइक फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाने हुआ ओके अरे वैल्यू सेट करना है, रिस्पॉन्स दिखाना है, क्वार्टर दिखना है, सिंगल लाइन दिखाना है, उसके लिए आप इसको इतने भी ऑपरेटर यूज कर लें। ठीक है, ओके इसमें अभी ये फील्ड्स में है और क्या करने के लिए कुछ डाउट लग रहा है आपको किसी को, ओके ये भी मैं कुछ प्रोग्राम पूछता हूँ मुझे बताओ अभी। ठीक है, इससे अगर क्या हुआ कि एक आइडिया मिलेगा कि क्या कर सकते हैं, काम करो यहाँ पे ठीक काम करते यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास कोई प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कवर कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे भी मिल रहा हूँ प्रोग्राम बढ़ाने में बस छोटा लेने का मतलब नहीं, मैं ठीक है प्रोग्राम बड़े 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 इसमें से पूरा कोड सर नहीं है क्या? इसमें से पूरा कोड सर कॉपी पेस्ट? जो 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 होता है मान लो ये मैंने करा दिया तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये जो होता है मैं पेस्ट करके रखता हूँ, बीच बीच में नंबर उठाता हूँ अभी ये सब भी आने वाला सीरीज पे। सर जितना सर करते हैं सर उतना डेली का पेस्ट होता है ना इसमें? छोटा कोड तो नहीं है, ठीक है एक काम करो, हम लोग उस दिन कैलसी वाला कोड किए थे ना, तो कैलसी वाले कोड पे मैं आपको स्विच केस का दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, ये लोग स्विच केस को यूज करके हम लोग उस दिन ऐसा यूज किए थे राइट, हम लोग आप स्विच केस यूज करके आपको एक कैलसी का जो प्रोग्राम बनाए थे हम लोग उसी को प्रोग्राम का ये ट्राई करते हैं, इसमें कैलसी का प्रोग्राम कहाँ पे है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कॉन्स्टेंट
अभी यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम जो अभी हमने इसमें कैसे किए थे, इसके बेसिस पे आपका आउटपुट आया था। बट अगर मैंने 1 2 3 4 और 5 के अलावा कुछ और पास कर दिया तो आपको आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? अभी केस में नहीं आएगा। तो अगर आपको वो करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल्स डालना पड़ेगा कि एल्स अगर 1 है ए दे, 2 है ए दे, 3 है तो ए दे, 4 है ए दे, अगर कुछ भी नहीं मैच किया तब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, लाइक प्रिंट एफ इनवैलिड आउट। अच्छा इनवैलिड आउट, अब बता सकते हो कि आप जो ये पास कर रहे हो वो रॉन्ग है। ओके, तो मतलब यहाँ पे आप कैसा पास कर रहे हैं, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेटिव ए डॉट एच। फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पास किया, सेकंड नंबर पास किया और नंबर कुछ भी दे दिया, मोर देन फोर दिया, तुम्हें क्या बोल दिया उसने, तीन वेट ऑप्शन। प्रॉपर अगर लेते हो तो आपका ये चलेगा, ठीक है, एडिशन सब भी चलता है। तो अभी इसी को अगर आपको स्विच केस में करना होगा, स्विच केस में तो कैसे करेंगे, लोग कॉपी करते हैं, लिख लेके जाते हैं और इसके निकालो यहाँ पे, ये जो पार्ट है जो स्विच केस में क्या आता है, स्विच केस में आपका क्या आएगा, स्विच एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे कंडीशन नहीं आती है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आती है। मतलब आप कैसा दोगे, अब यहाँ पे बोलोगे स्विच, यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आएगा, मतलब जिसकी वैल्यू है डायरेक्टली वैल्यू इसकी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली वैल्यू आती है। तो सिंपल कैलसी 1 डॉट डॉट यस जीसीटी सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे पहले स्विच आता है, जैसे नॉर्मल आपका बोर्ड में स्विच होता है ना, तो समझ लो अगर आपके पास बोर्ड में मल्टीपल स्विच है, जो बटन दबाओ तो वैसा आपका काम करता है, लाइट ऑन किया लाइट ऑन होगा, फैन ऑन किया फैन ऑन होगा। सिंपली यहाँ पे ऐसे आता है ऑप्शन, इसके अंदर आता है केस, ध्यान दो इसके अंदर क्या आता है केस, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। तो केस में कैसे आएगा, नंबर आएगा, समझ लो 1। अगर ये ऐसा हुआ तो आपका यहाँ पे क्या दोगे, ब्रेक, ध्यान दो केस 1 ब्रेक। अगर मान लो किसी ने 2 पास किया तो ऐसे दोगे केस 2 कोलन ब्रेक, केस 3 कोलन ब्रेक। कोई कंडीशन नहीं आता, एक्सप्रेशन आता है, जो वैल्यू इसमें पास करोगे, अगर यहाँ पे 1 आया तो ये वाला रन होगा, इसमें 2 आया ये वाला रन होगा, इसमें 3 आया ये रन होगा। अब कुछ भी नहीं आया, सॉरी अदर देन दिस वैल्यू आया, वो जाता है डिफॉल्ट में। ऐसे मान लो अभी मैं मुझे 4 की जरूरत है, तो मैं कितना ले लूंगा, 4, ठीक है। तो 1 के लिए मैं पास करता हूँ 1 इसके अंदर आ, और 2 के लिए आप पास करोगे 2 का। तो दोनों डिफरेंस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े कि मैं किस सिनारियो में यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या आपका 3 का हो गया और ये आपका लास्ट वाला हो गया, ठीक है। नाउ ये आपका प्रिंट हो गया यहाँ पे, अगर कुछ भी नहीं लिया तब ठीक है, कुछ किया यहाँ पे बिल करो वैल्यू करो रन करो। अगर मैंने नंबर 1 लिया तो मुझे क्या आया, 1 पे उसका रिजल्ट आया, वही अगर आप 2 पास करोगे 2 पे क्या आया, -10 आया, इसका आया, इसका मैंने एडिशन दिया है क्या। प्रोग्राम का नाम कुछ और है, सिंपल कैलसी, मैंने बिल्ड मिल गया, ठीक है। जीसीटी सिंपल कैलसी डॉट
मानूम चले इसी नाम का ना एक और प्रोग्राम था रिप्लेस कर दिया इसने। हाँ वही सही है, यहाँ पे एडिशन एडिशन था ना, पहले सब सिक्सन आ रहा था यहाँ पे माइनस का, तो या तो या सर ठीक मुझे डॉट पी एच सी ठीक है, तो जीरो आएगा इसका नंबर कुछ पास करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई आएगा, और यहाँ पे अगर राउंड राउंड नंबर को लेते हो तो क्या जाएगा इंग्लिश डॉट पी। तो स्विच केस भी कैसे काम करता है, जो वैल्यू पास करो तो डायरेक्टली इसी केस में जाएगा, जो वैल्यू पास करोगे डायरेक्टली इसी केस में आएगी। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये अगर ब्रेक नहीं यूज करोगे तो क्या होगा, मैं देता हूँ प्रोग्राम है फाइंड वॉवेल्स, फाइंड वॉवेल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ये पहले प्रोग्राम हुआ था पहले अपना, हम लोग उसको इसमें करेंगे ध्यान रखना। तो इसमें मैं लेता हूँ डायरेक्टली कैरेक्टर, कैरेक्टर मान लो कुछ ले लिया नेम, प्रिंट एयर, प्रिंट एयर, प्रिंटर कैरेक्टर ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका स्कैन एयर, क्या जाएगा आपका परसेंट सी, यहाँ पे आएगा एंड नेम जो भी आपने लिया है, और ये नेम आप यहाँ पास कर ठीक है, यहाँ पर मैं निकालता हूँ पूरा ये नेम यहाँ पास कर दो, फाइंड वॉरल्स डॉट यहाँ पे सी एल एस जी फाइंड वॉरल्स डॉट यू सभी ए डॉट पी एस सी, अभी मैं कुछ पास करूंगा फैक्टर अभी कुछ नहीं आएगा अभी ठीक है, अब ध्यान दो अब मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे केस, अगर किसी ने ये पास किया, किसी ने ये पास किया उस केस में मुझे क्या प्रिंट होगा, ट्रेन इट्स वॉइस ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा ब्रेक कर दूंगा ए आई यू यू ये होता है राइट, चलो होता है क्या होता है ए टी आई ओ यू इतना होता है ठीक है, तो ये हुआ तभी मुझे ये ऑप्शन देगा। अगर अब ध्यान दो इसी के बाद मैं डिफॉल्ट पास करता हूँ, इसी के पास डिफॉल्ट पास करूंगा और यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं प्रिंट प्रिंट एफ नॉट अ वॉवेल्स, मतलब अगर मैं ए के अलावा कुछ और भी टाइप किया तो मुझे वो क्या बोलेगा नॉट अ वॉवेल्स, ठीक है। अब मैं ए डॉट एस सी पास करता हूँ, मैंने पास किया बी, मुझे क्या बोल दिया नॉट वॉवेल्स ठीक है, बट अगर मैंने ई पास किया तो अभी मुझे क्या बोल रहा है नॉट वॉवेल्स, मतलब मुझे ए और ई दोनों साथ में यही आउटपुट चाहिए, तब क्या करो इसी के नीचे एक और केस लगा दो ऐसे देखो, इसी के नीचे एक और केस लगा दो ऐसे देखो, तो इसका मतलब ये होगा चाहे केस ए हो चाहे केस ई हो चाहे केस आई हो, ये तीनों का जो बटन का लिंक है वो एक ही को फीड किया गया है, मतलब तीन मतलब एक लाइट है उस लाइट के तीनों बटन सेट किया गया ए ई आई ओ यू, तो इसमें कुछ भी कॉल होगा आपका प्रिंट पहला वाला ही होगा ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आएगा क्या गुजर जाए, तो अगर सपोज एक ही ऑप्शन को मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है तो आप उसको ऐसे हैंडल कर सकते हो, जब मैं ई पास किया तो मुझे आ रहा है ठीक है, जब मैं वो पास किया तो भी मुझे आ रहा है, अगर मैं एन पास किया नहीं आया, अगर मैं कैपिटल ए पास करता हूँ तब क्या आया नॉट वॉवेल्स बट है, अब फिर क्या करोगे आप इसी कॉपी करो अगेन पेस्ट करो और इसको कैपिटल वाला ले लो, ठीक है अब आपका तो परफेक्ट है, चाहे वो कैप्स में टाइप करे सॉरी स्मॉल में टाइप करे चाहे वो कैप्स में टाइप करे, और इसमें से कुछ भी पास करें सारे केस के लिए एक ही आउटपुट, और ब्रेक यहाँ पे आएगा, ब्रेक क्या करता है आगे नहीं जाया जाता ठीक है,
ब्रेक का मैंने समझ, ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही इसमें सर्वर होगा इधर जाके स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जाएंगे। और अगर ध्यान दो, मैंने ब्रेक इधर लगा दिया, ब्रेक यहाँ पे लगा दिया, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, ध्यान देना। कुछ आया नहीं, क्यों? ये आया, इधर ही ब्रेक हो गया, आगे जा ही नहीं पाया। बात समझो, ब्रेक जहां लगा दो उसका उसके बाद आउटपुट नहीं देगा। इसमें जो कुछ भी टाइप की आउटपुट आपका वही आएगा। बट हाँ, ब्रेक अगर निकालोगे तब क्या करेगा, केस ए मिला जो मिला वो आगे ऐसे जाते जाएगा, प्रिंट करके फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको समझोगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका और भी एग्जाम्पल लेके आऊंगा, अभी खाली आपको बेसिक बताया है। ठीक है, ये था आपका स्विच केस, और इसमें जो स्टेटमेंट कंडीशंस थी, स्टेटमेंट आपका कीवर्ड था, ये सब आज हम लोग पूरा कवर किए हैं। तो नेक्स्ट में मैं क्या करूँ, जो प्रोग्राम लेके आऊंगा ना, सबका मिक्सअप रहेगा। ठीक है, सबका मिक्सअप रहेगा, तो फिर इसमें जो भी डाउट रहेगा ये रहेगा आपका, सब तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो चालू होगा हम लोग का लूप चालू होगा, लेकिन उसके पहले इधर में जो प्रोग्राम दिया हुआ इतने सारे, इसमें से देखता हूँ मैं क्या क्या कवर कर पाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में वो सब कवर करेंगे, क्योंकि ये सब टोटली बेस्ड ऑन लूप है। मैं सोच रहा हूँ पहले लूप कवर कर लूँ, फिर ये सब लेके आऊँ फिर। ठीक है,